देखिए क्वेश्चन ये है हमारे सामने, द हाइट्स ऑफ 50 चिल्ड्रंस वर मीजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर गिविंग द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ठीक है, तो हाइट इन सेंटीमीटर आपको ये टेबल में दे रखी है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रीक्वेंसी ये हमको दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एवरेज हाइट निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये जो हाइट एंड इन सेंटीमीटर है, इसको हमने एक्स कंसीडर किया है, फ्रीक्वेंसी एफ एफ कंसीडर की है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ इंटू एक्स अपॉन। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 65 इंटू 1, तो ये आपका 65 हो गया, ये आपका हो जाएगा 64, 66 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 6 जा 24, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 264 हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 5 7 जा 35, और 5 6 जा 30 प्लस 3 3 35, और ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 8, ये आपका हो जाएगा 56, और ये 5 हो जाएगा 7 6 जा 42 प्लस 5, 47 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 69 इंटू 11, तो ये आपका 9 आ जाएगा, और 66 प्लस 9, ये आपका हो जाएगा 75, ये आपका 700 हो जाएगा, ये आपका ऐसे आप लोग वो अज्यूम भी करके नहीं कर सकते क्या? नहीं, इसको ऐसे ही करना है, इसको नॉर्मल मेथड से ही करना है आपको। ठीक है, अच्छा हाँ, और ये आपका हो जाएगा 4 2 जा 8, और ये आपका हो जाएगा 146। ठीक है, और सबको जब आप ऐड कर दोगे तो ये आपका 3 4 5 9, और स्टूडेंट आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 है, तो ये आपका सबका सम अगर आप ऐड करोगे तो भी आपका 50 आएगा। ठीक है, अगर आप मीन निकालोगे तो मीन आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सिग्मा एफ एक्स है, ये आपका क्या है, सिग्मा एफ एक्स है। ठीक है, और ये वाला आपका क्या है, सिग्मा एफ है। ठीक है, तो ये आपका 3 4 5 9 अपॉन में ये आपका कितना है, 50 है, आप सॉल्व करोगे ये आपका 69.18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लीजिए।